मध्य प्रदेश भाजपा ने लोकसभा चुनाव के 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में काउंटिंग की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 4 जून को होने वाली काउंटिंग की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मतदान का शनिवार को अंतिम चरण है। जनता जनार्दन मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने का संकल्प कर चुकी है। बीजेपी ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजयश्री हासिल करेगी। वही एग्जिट पोल मीडिया डिबेट में हिस्सा नहीं लेने पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आम जनता जनार्दन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ ये चुनाव आज पूर्णता की ओर है और मुझे विश्वास है कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस बार विजयश्री हासिल करेगी। कल भी मैंने मीडिया के मित्रों को कहा था कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत परिश्रम, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, गरीब कल्याण की योजना और विकास, इस आधार पर मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें तो जीतेंगे ही, लेकिन हमने जो 10% वोट शेयर बढ़ाने की बात कही थी, मुझे विश्वास है कि जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तब हम 58 से 68% वोट शेयर प्राप्त करने में हमें सफलता मिलेगी। आज मध्य प्रदेश के हमारे सभी लोकसभा और सभी विधानसभाओं के जो हमारे विस्तारक कार्यकर्ता थे, जो लगातार 4 महीने से अपना पूर्ण समय लगाकर चुनाव की रणनीतिक तैयारी में, सूक्ष्म प्रबंधन चुनाव में किस प्रकार से करना होता है, तो ऐसे कार्यकर्ता जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, वो मंचों पर नहीं होते, लेकिन कुशल रणनीति के साथ, संगठन तंत्र के मजबूती के साथ प्रत्येक बूथ को एक्टिवेट और मोटिवेट करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, ऐसे आज कार्यकर्ताओं की हमारी दिनभर बैठक चलने वाली है। अभी उद्घाटन सत्र हुआ है और सभी कार्यकर्ताओं ने चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है, अभी आज हमारी ये बैठक है, बाद में फिर चुनाव प्रबंधन, फिर हमारे लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा के विस्तारक, विधानसभा के प्रभारी, विधानसभा के विस्तारक, इन कार्यकर्ताओं की भी समीक्षा बैठक है। हम अपने संगठन काम की दृष्टि से कि जो इतने समय तक उस क्षेत्र में रहे हैं, तो आगामी समय में संगठन काम के सुदृढ़ीकरण के लिए हमारी अपनी भूमिका और गंभीरता के साथ कैसे बने, इस पर सभी कार्यकर्ताओं ने विचार विमर्श किया है और आगामी समय में और हमारी समीक्षा की बैठकें होंगी। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम किया, उसका परिणाम 4 तारीख को सकारात्मक तौर पर देश के अंदर मध्य प्रदेश इतिहास बनाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। ये एक तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस जिसने 55 वर्षों तक देश पर राज किया है, और अगर मैं ये कहूं कि आप जब 55 वर्षों तक राज कर रहे थे तो अलोकतंत्र कर रहे थे क्या? हालांकि आपने लोकतंत्र की हत्या की, आपने इमरजेंसी लगाई, आपने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी सरकार या कोई भी सिस्टम काम करता है तो वो संविधान कानून के दायरे में करता है, और कानून से कोई हटके जाता है तो समाज उसका जवाब देता है। लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इतना अविश्वास कि हमारे प्रवक्ता मीडिया के डिस्कशन में नहीं जाएंगे, यानी इसका अर्थ है कि आपने ये आक्रमण लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किया कांग्रेस ने। भाई मीडिया कोई बायस दे क्या? भाई ओपिनियन है, कभी सही होता है, कभी गलत होता है, कभी 100% एक्यूरेट होता है, कभी 80% होगा, कभी 50% होता है, तो इससे आपको एलर्जी क्यों है? ये केवल बहाना है कि जो हार हमारी हो रही है, जनता ने हमें नकार दिया है,
तो इसलिए कांग्रेस आज इन सारे बहानों को ढूंढ रही है कि कैसे अपने आप को बचाया जाए। अरे मैदान में आओ ना, जीत और हार तो रहती है। हम तो वो दल हैं जो केवल दो लोग थे संसद में, तब मजाक उड़ाते थे, तब अटल जी ने कहा था आप मजाक उड़ाओ, समय बदलेगा, हम यहां पर हैं आप वहां पर होंगे, और आज हो रहा है देश के अंदर। तो इसीलिए कांग्रेस आज हार के डर के कारण बहाने ढूंढ रही है और इस प्रकार के चीजें करने का प्रयास कर रही है जिससे हम अपने आप को ये बताएं हम बहिष्कार करते हैं। काय का बहिष्कार कर रहे हो भाई, वो पीने नाराज जवाब दो आप। आपको लगता है कि आपकी सरकार बन रही है तो बोलिए ना कि आपकी सरकार बन रही है। देखते हैं 4 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सरकार किसकी बन रही है। तो इसलिए डर है कांग्रेस को, ये भय सता रहा है उनका। मैं फिर मैं कहूंगा कांग्रेस ऐसी हर बातें करेगी कि जिससे कांग्रेस को हार का बहाना ढूंढना पड़े। पहले ही कलेक्टर पर आरोप लगाना शुरू कर दो, दिग्विजय सिंह पहले ईवीएम पर आरोप लगा रहे थे, फिर दिग्विजय सिंह कहने लग गए कि ये जो इलेक्शन कमीशन वोटिंग परसेंटेज का डाटा जारी कर रहा है ये डाटा जो है बदल क्यों रहा है। अरे भाई थोड़ा बहुत आप तो मुख्यमंत्री रहे हो, कांग्रेस इतना बड़ा दल है, आपकी सरकारें जब थी तब इलेक्शन कमीशन क्या 1 मिनट के अंदर पूरा आंकड़ा जारी कर देता था? हर चीज पर अविश्वास है, न लोकतंत्र पर विश्वास है, न संविधान पर विश्वास है, न कानून पर विश्वास है, न सुप्रीम कोर्ट पर है, न हाई कोर्ट पर है, किसी पर विश्वास नहीं है उनको। कांग्रेस आज बुरे हालात में है उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की बातें कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। वही छिंदवाड़ा में श्रीमान करप्शन नाथ कमलनाथ के बेटे जो छिंदवाड़ा की जनता ने नकार दिया तो अब वो कलेक्टर पर आरोप लगाने लग गए। तो ये कांग्रेस के आज दुरावस्था का दौर है, हालात बदतर हो गए हैं।